फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल जयपुर आईएन डेंटल हॉस्पिटल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फैक्ट्स हाउ मोबाइल स्क्रीन डैमेजेस अवर आईज, स्पेशली किड्स और यंग एज पेशेंट्स जो उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे, फर्स्ट इज इट कॉजेज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आजकल क्योंकि स्क्रीन यूजेस बहुत बढ़ गया है तो कंप्यूटर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं लोग। हर काम में हमें कंप्यूटर चाहिए होता है, बच्चों को पढ़ाई में, ऑफिस का काम करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको आँखों में दर्द, थकावट, बर्निंग, इचिंग, रेडनेस, नेक पेन, बॉडी एक, ये सब हो सकता है। तो ये चीज़ें सभी आपकी डे टू डे कंप्यूटर वर्किंग से रिलेटेड होती हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल या अर्गोनॉमिक चेंजेस करने होंगे छोटे मोटे। जैसे कि एक 20-20-20 रूल है, इसका मतलब जब आप काम करेंगे तो 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लें और 20 फीट दूर कोई चीज़ पे फोकस करें ताकि आईज को रिलैक्स हो सके। थोड़ा सा जब आप बैठें तो आपके लेग रेस्टेड होने चाहिए ज़मीन पर, आपके बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए और आपका कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आई के लेवल से थोड़ा नीचे रहना चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डे टू डे कंप्यूटर वर्किंग में। नेक्स्ट कम्स द ब्लू लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जितने भी स्क्रीन है कंप्यूटर के, मोबाइल के, इन चीज़ों से ब्लू लाइट एमिट होती है। इस ब्लू लाइट को अपन कह सकते हैं दिस इज़ बेसिकली हाई एनर्जी लाइट, लेकिन ये नेचुरल लाइट में भी होती है, सन में भी होती है, सन से जो लाइट आती है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं, नेचुरली ये हमारी अलर्टनेस को इनक्रीज करती है और दूसरा हमको ये फील कराती है कि अभी दिन का समय है तो उससे आप कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। बट जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं गलत समय में, रात को या लंबे समय तक, तो यही ब्लू लाइट कुछ प्रॉब्लम्स करती है। जैसे कि फर्स्ट, ये हमारा बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज को कम करती है। ये मेलाटोनिन जो सीक्रेशन होता है इससे हमें प्रॉपरली नींद आती है और हमारा एक सर्कैडियन रिदम होता है बॉडी का कि ये सुबह है, ये रात है, इस कारण हम प्रॉपरली सो पाते हैं। तो अगर मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, हम लंबे समय तक मोबाइल देखेंगे रात को, तो उस कारण हमें ऐसा लगेगा, हमारी बॉडी ऐसे लेके चलेगी इस ब्लू लाइट एक्सपोजर से कि अभी दिन है और हमें नींद नहीं आएगी, और वो नींद नहीं आने के कारण नेक्स्ट डे भी आपका दिन खराब निकलेगा। एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि 2 घंटे कंटिन्यूस मोबाइल देखने से या ब्लू लाइट एक्सपोजर से ये मेलाटोनिन रिलीज बंद हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सोने के 3 घंटे पहले एटलीस्ट आपको अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए। देन यही ब्लू लाइट जो है ये फोटोटॉक्सिक भी होती है। इस कारण ये अपने जो पर्दे पे सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, उनको विद टाइम डैमेज करती है और एक बीमारी जिसे हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं वो धीरे धीरे उसको बढ़ाती है। आने वाले समय में ये एक कॉमन बीमारी होगी जो मे बी आज 60 इयर्स की एज में मिलती है, बट मे बी ये 50 साल 40 साल में भी शुरू हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव स्क्रीन यूजेस। देन इट कम्स कि ये जो है लंबे समय में ये देखा गया है कि यही ब्लू लाइट आपके अंदर मोतियाबिंद भी कर सकती है। तो इसीलिए हमको सभी एजेस में इस ब्लू लाइट एक्सपोजर का ध्यान रखना है। आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे नाइट मोड करके एक ऑप्शन आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये ब्लू लाइट फिल्टर होके आएगी। आपको आप देखेंगे आपका स्क्रीन वाइट से थोड़ा येलोइश हो जाता है अगर आप इस तरह का कोई मोड ऑन करते हैं। आप ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं जो कि ब्लू लाइट एक्सपोजर आपका कम करते हैं। देन फाइनली द थर्ड थिंग, दैट इज़ यही मोबाइल और कंप्यूटर जो है आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उनके अंदर चश्मे के नंबर आ रहे हैं, मायोपिया बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये नॉर्मली इसलिए होता है कि हमारी आँखें जो है वो नॉर्मली दूर के काम के लिए बनी हैं। अगर बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा पास का काम करते हैं तो हमारी आँख को ऐसा लगता है कि इस ग्रोइंग एज में बच्चों में स्पेशली पास का काम ज़्यादा करा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ने लगता है और उसमें पास की नज़र जो है वो बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं मायोपिया। इस कारण माइनस का नंबर लगता है और बच्चों में प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप बच्चों में चाहते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम ना आए तो हमें उनका स्क्रीन यूजेस कम करना पड़ेगा।
नॉर्मली टोटल सब मिला के उनके होमवर्क से लेके उनके गेम्स उनका एंजॉयमेंट 1 से 2 घंटे ही रहना चाहिए टोटल स्क्रीन टाइम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा प्रॉपर स्क्रीन यूजेज में, मोबाइल यूजेज में। आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।